हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी आप लोगों की बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके नए होंगे। आप लोगों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? फटाफट बताएंगे कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 1905 का बनारस अधिवेशन, बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। दूसरा 1906 का कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। तीसरा है 1908 का मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का संविधान तैयार करके इसे अनुमोदित किया गया। और चौथा है 1909 का लाहौर अधिवेशन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर अस्वीकृति व्यक्त की गई। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। फटाफट देंगे बच्चा लोग उत्तर, कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। और आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो दो है ये सही नहीं है। 1906 में कांग्रेस ने अपना जो लक्ष्य है वो स्वराज रखा था, संविधान तैयार करने की बात नहीं है। यहाँ पे इन्होंने अपना जो लक्ष्य है वो स्वराज रखा था, ये याद रखिएगा बच्चा लोग, स्वराज लक्ष्य रखा था। यहाँ पे संविधान की बात नहीं की गई थी। पहला बिल्कुल सही है कि 1905 का बनारस अधिवेशन, बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया इसमें। 1908 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस का संविधान तैयार करके इसे अनुमोदित किया गया था। और आपका 1909 का लाहौर अधिवेशन है जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर अस्वीकृति व्यक्त की गई थी। इस तरह से आपके सभी बातें बिल्कुल सही हैं, केवल और केवल दूसरा सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये भी कथन कारण का है। देखिए बेहतरीन प्रश्न है, आपको बताना है। पहला है कथन, दादा भाई नौरोजी ने तर्क दिया है कि जो कुछ बाहर अपवाहित हो रहा था वह संभावित अधिशेष था, जिसे यदि भारत में निवेश किया जाता तो भारत में अधिक आर्थिक विकास हो सकता था। दूसरा, साम्राज्यवादियों का विश्वास था कि भारत को व्यापक पूंजीवादी विश्व बाजार में ले जाया गया था तथा यह अपने आप में आधुनिकीकरण की ओर प्रगति थी। अब आपको बताना है क्या है जो सही है। कह रहा है कथन और कारण दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी। फिर कह रहा है कथन और कारण दोनों सत्य नहीं है, मतलब सत्य है लेकिन स्पष्टीकरण सत्य नहीं है। तीसरा कह रहा कथन सही है किंतु कारण जो है ये गलत है। और आपका चौथा कह रहा है कथन जो है वो गलत है लेकिन कारण सही है। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बात है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, क्या है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। आपके सामने दो ऑप्शन हैं, आपको इनको पढ़ना है और फिर आपको उत्तर दे देना है क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोनों बातें सत्य हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर दो सही है। दादा भाई नौरोजी ने तर्क दिया कि जो कुछ बाहर अपवाहित हो रहा था वह संभावित अधिशेष था, जिसे यदि भारत में निवेश किया जाता तो भारत में अधिक आर्थिक विकास हो सकता था। दूसरा पॉइंट है साम्राज्यवादियों का विश्वास था कि भारत को व्यापक पूंजीवादी विश्व बाजार में ले जाया गया था तथा यह अपने आप में आधुनिकीकरण की ओर प्रगति थी। तो याद रखेंगे साम्राज्यवादी यानी कि अंग्रेजों का ये कहना है, तो इस हिसाब से आपका दूसरा भी सही है। दोनों बातें सत्य हैं लेकिन कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी आपके लिए बेहतरीन है। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और कार्यकलाप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है जो कि आपका गलत है। यानी कि जो आरंभिक शुरुआती दौर के जो राष्ट्रवादी नेता हैं उन्होंने जो कार्यक्रम और क्रियाकलाप किए हैं उनके इस कार्यक्रमों के बारे में जो कदम उठाया उन्होंने उसके बारे में क्या है जो कि गलत है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला है इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया। दूसरा इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्री आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था।
तीसरा, इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की। और चौथा है कि कोई नहीं। अब बताएंगे कौन सी बात है जो कि आपका सही हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है, देखते हैं आप लोगों को ये पता है या नहीं। कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है, तो ये भी आपके लिए बिल्कुल कॉमन सेंस का है और आप लोगों को सॉल्व करने में समस्या नहीं होना चाहिए। पहला जो है ये सत्य नहीं है। इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया। नहीं, प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी नेता हैं ये ब्रिटिशों के साथ संघर्ष नहीं करें बल्कि ब्रिटिशों का समर्थन करें, उनकी मदद करें, क्योंकि इनका पूरा विश्वास है कि अगर अंग्रेज भारत में रहेंगे तो ही भारत का उद्धार होगा, भारत का विकास होगा, भारत का आधुनिकीकरण होगा। तो इसलिए चाहते हैं कि भारत में अंग्रेज रहें, मुक्ति के लिए ये परेशान नहीं है। इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है। इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्री आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। हाँ, ये आलोचना कर रहे हैं, उनके जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसकी आलोचना करते हैं। ये चाहते हैं अपनी आर्थिक गतिविधियों में सुधार करें, भारतीयों के लिए अच्छा सोचें, भारतीयों के लिए अच्छा करें। तो दूसरा सही है। तीसरा, इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की। ये भी सही है। आपकी बाकी दोनों तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। केवल और केवल आपका पहला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है आपको ये बताना है। पहला है, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। दूसरा, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जनता के बीच अपने लोकतांत्रिक आधार को विस्तृत किया। तीसरा, दोनों बातें सही हैं। और चौथा, कोई भी सही नहीं है। फटाफट उत्तर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, क्या है जो आपका सही है। और ये भी आपके लिए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए आसान है। आप सभी को पता है बच्चा लोग, केवल और केवल आपका पहला सही है, क्योंकि आरंभिक राष्ट्रवादियों ने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया, तो सत्य है। लेकिन जो कह रहे हैं ना, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जनता के बीच अपने लोकतांत्रिक आधार को विस्तृत किया, नहीं, ये करने में असमर्थ रहे। जो इनकी विचारधारा है, जो इनका मतलब जो है सोच है, ये अपनी विचारधारा और सोच को आम जनता के बीच नहीं ला पाए थे। ये काम गरम पंथियों ने किया था, यानी कि जो बाद में उग्रवादी के नाम से जाने गए, इन्होंने किया है। आपका दूसरा सही नहीं है, पहला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। कौन सा है जो सत्य है ये बताना है। पहला, नरमपंथी का सामाजिक आधार जमींदारों एवं ऊपरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित था, जबकि चरमपंथी जिसको उग्रवादी कहते हैं का सामाजिक आधार शिक्षित मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग तक फैला था। दूसरा है, नरमपंथी ब्रिटिश राज्य के प्रति अपनी वफादारी का दावा करते हैं, जबकि चरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश राज्य भारतीय वफादारी का दावा करने योग्य नहीं है। तीसरा कह रहा है कि दोनों बातें सही हैं। और चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। आप फटाफट उत्तर देंगे, बेहतरीन प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न में चलो उत्तर दीजिएगा, निश्चित तौर पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नरम पंथियों का सामाजिक आधार जमींदारों और ऊपरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित था, लेकिन जो चरमपंथी या उग्रवादी हैं इनका सामाजिक आधार शिक्षित मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग तक फैला हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्यों सही है, नरमपंथी ब्रिटिश राज्य के प्रति अपनी वफादारी का दावा करते हैं, लेकिन जो चरमपंथी या उग्रवादी हैं ये कहते हैं कि ब्रिटिश राज इस योग्य नहीं है कि हम उनके प्रति अपनी वफादारी को जाहिर करें, यानी कि अंग्रेज स्वार्थी हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग का है। उदारवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो उदारवादियों के बारे में सत्य है। पहला, इनका सामाजिक आधार जमींदार और शहरी उच्च मध्यम वर्ग था। दूसरा, यह ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। तीसरा, यह भारत की समृद्धि के लिए अंग्रेजों की उपस्थिति अनिवार्य मानते थे। और चौथा है कि उपर्युक्त सभी बातें सत्य हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है हिस्ट्री तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा।
तो निश्चित ही पता है ना, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ये धर्मपंथियों के बारे में, इनका सामाजिक आधार जमींदार और शहरी उच्च मध्यम वर्ग था, यानी कि ये जमींदार वर्ग थे या शहर के उच्च मध्यम जो पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे लोग थे। और ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, इन्हें अंग्रेजों की कार्य पद्धति में विश्वास था, उनके शासन में विश्वास था, या भारत की समृद्धि के लिए अंग्रेजों की उपस्थिति को अनिवार्य मानते थे, इसलिए अंग्रेजों का समर्थन करते थे। तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, आपको बताना है कि 20वीं, अच्छा नहीं, यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट है जो बिपिन चंद्र पाल के बारे में सत्य है और आपको वही बताना है। और ये वेरी वेरी इजी प्रश्न है, आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। वे कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, क्या ये बात सही है? वे कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, क्या ये बात सत्य है? तीसरा, वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे। और चौथा, वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। अब आप बताएंगे कौन सा है जो बिपिन चंद्र पाल के बारे में सही हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान है, सभी को पता है, लाल बाल पाल। तो निश्चित ही बिपिन चंद्र पाल क्या है? गरम दल के नेता है। लाल बाल पाल की तिकड़ी में से कौन है? बिपिन चंद्र पाल हैं। तो इस तरह से आपको पता है कि ये गरम दल के नेता हैं, बाकी चीज़ें गलत हैं, सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या नहीं था? यानी कि जो 20वीं सदी है, इसका जब आरंभ हुआ तो आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या नहीं था, आपको ये बताना है। यानी कि बाकी सब उग्र राष्ट्रवाद के विकास के लिए कारण हैं, जिम्मेदार हैं, रीज़न है, लेकिन कोई एक है जो उग्र राष्ट्रवाद के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है, और आपको वही बताना है। पहला है शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, तीसरा रेलवे का विकास, चौथा ऐसा कोई नहीं है जो ना हो, यानी कि सभी। आप बताएंगे कौन सा है जो कि आपके उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण नहीं था। फटाफट उत्तर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो नहीं होगा। और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, याद रखेंगे। उग्र राष्ट्रवाद के विकास के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है, राष्ट्रवाद के लिए हो सकता है लेकिन उग्र राष्ट्रवाद के लिए रेलवे का विकास नहीं है। शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि बिल्कुल है, जब शिक्षित होंगे लोग, जागरूक होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी तो आक्रोश बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बिल्कुल है, इथोपिया ने इटली को हरा दिया था 1896 में, जो समय विश्व को चौंकाने वाली घटना थी। इसके बाद जापान ने इतने बड़े देश रूस को 1905 में हरा दिया था, इससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। और ये भ्रम कि अंग्रेजों को कोई नहीं हरा सकता, ब्रिटिश अजेय हैं, ये भारतीयों के दिमाग में जो बना था ये भी समाप्त हो गया, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि अगर जापान जैसा छोटा सा देश, रूसी जो यूरोपीय कंट्रीज को हरा सकता है, अगर इथोपिया जैसा अफ्रीकन कंट्री जो इतना पिछड़ा है वो इटली को हरा सकता है, तो हम ब्रिटेन को क्यों नहीं हरा सकते। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी था लेकिन रेलवे का विकास राष्ट्रीय प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय या उग्र मतलब राष्ट्रवाद के लिए ये जिम्मेदार नहीं है। तो पहला दूसरा सही है बच्चा लोग, तीसरा आपका इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? आपको बताना है इनमें से किस राजनेता ने जो परंपरागत धार्मिक उत्सव हैं इनका उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया। पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है अरविंद घोष और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा, आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए, फटाफट कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? तो आप सभी को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप सभी लोग इसको जान लें कि इसमें जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने ही शिवा महोत्सव और इसके अलावा गणेश महोत्सव, ये सब क्या किया है, शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव शुरू किया था, यानी कि इन्होंने धार्मिक उत्सव को राष्ट्रवाद के विचारों से प्रचार प्रसार के लिए जोड़ दिया था, ताकि जो युवा वर्ग हैं वो इन उत्सव महोत्सवों में आए और यहाँ से जागरूकता हासिल करें और राष्ट्र के प्रति अपने जो है कर्तव्य हैं उसके प्रति जागरूक हों। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग,
आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन सा है जो सही नहीं है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो बातें दी गई हैं इसके बारे में कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं सही है। अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन हैं, आपको चारों को पढ़ना है और फिर उत्तर दे देना है। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था, क्या ये बात सही है कि मराठी भाषा में उन्होंने केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था। दूसरा, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया था। तीसरा, 1896 से 1897 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर ना चुकाने का आंदोलन चलाया था। अब आपको बताना है, चौथा कह रहे कि सभी बातें सत्य हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं और आप लोगों को उत्तर देना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, सारे के सारे बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था और महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। 1895 में महाराष्ट्र में इन्होंने शिवाजी महोत्सव शुरू कर दिया था ताकि जो युवा है महाराष्ट्र के वो शिवाजी की अदम्य साहस, उनकी ईमानदारी और उनकी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित हों और खुद भी इससे प्रेरित होकर के राष्ट्र के लिए कुछ करें। साथ ही आपने देखा था गणेश जो है, आज भी गणेश चतुर्थी दक्षिण में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, ये किसने शुरू किया था, ये भी शुरू किया है लाला लाजपत राय ने और ये 1893 में इन्होंने शुरू किया था। तो याद रखेंगे दोनों जो महोत्सव है महाराष्ट्र में फेमस बनाने का जो श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तीसरा भी सही, 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर ना चुकाने का आंदोलन भी चलाया है। तो सारी बातें बाल गंगाधर तिलक के बारे में बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन से उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थे, इसमें से कौन है जो उग्रवादी जो है राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं और आपको उत्तर देना है। पहला है विपिन चंद्रपाल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है अरविंद घोष और चौथा उपरोक्त सभी। अब बताएंगे बच्चा लोग इनमें से कौन है जो उग्रवादी या जिसको हम कहते हैं कि गरम दल, उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लाल बाल पाल तो आप सभी को पता ही है, इसके साथ साथ एक और नाम जिनका नाम है अरविंद घोष, ये भी शामिल हैं, यानी कि सारे लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये सभी लोग उग्रवादी जो है विचारधारा के हैं या गरम दल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बेहतरीन प्रश्न है, आज के प्रश्न आपको थोड़े आसान भी लग रहे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा एवं कार्य पद्धति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा है जो सही नहीं है। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादियों की जो विचारधारा एवं कार्य पद्धति है इसके संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला, वे अंग्रेजों की कृपा पूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में भारत की प्रगति चाहते थे। दूसरा, वे जनता की कार्यवाही के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। तीसरा, इन लोगों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा ली। और चौथा, उपर्युक्त सभी बातें सही नहीं हैं। अब आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है उग्रवादी जो विचारधारा के लोग हैं इनके पद्धति के बारे में, और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न है और बिल्कुल इजी है। निश्चित बच्चा लोग पहला सही नहीं है, वे अंग्रेजों की कृपापूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में भारत की प्रगति चाहते थे, नहीं ये नरम पंथियों का है, ये गर्म पंथी का नहीं है, इसलिए आपका ये सही नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है, वे जनता की कार्यवाही के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। तीसरा भी सही है, इन लोगों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा ली थी। तो आपको असत्य बताना था तो आपका पहला जो है ये असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन व स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। अधिवेशन कौन सा है कि आपको बताना है।
पहला है कोलकाता अधिवेशन 1906, दूसरा है सूरत अधिवेशन 1907, तीसरा है लखनऊ अधिवेशन 1916 और चौथा है लाहौर अधिवेशन 1929। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन से अधिवेशन में स्वशासन और स्वराज की मांग सबसे पहले अंग्रेजों के सामने रखी गई थी। नो डाउट बच्चा लोग, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और उसी विभाजन से स्वदेशी स्वशासन स्वराज की बातें जो हैं वो शुरू हो गई थी। और ये 1906 कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसी में घोषणा किया गया कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या होगा, स्वशासन व स्वराज्य का होगा। तो याद रखेंगे पहला है और दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये हुआ था, ये चीज़ भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा है जो कि आपका सत्य है। पहला है 1907 में सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गर्मपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। क्या ये बात सत्य है कि 1907 का जब सूरत अधिवेशन हुआ उसके बाद कांग्रेस संगठन पर गर्मपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। दूसरा, कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। क्या ये बात सत्य है। सी कह रहा है कि दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कि कोई सही नहीं है। बहुत ही आसान, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। अगर पढ़ा है तो सॉल्व करने में कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। याद रखेंगे आपका कोई भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि 1907 में जब सूरत विभाजन हुआ इसके बाद गर्मपंथी कांग्रेस से अलग हो गए और नरमपंथियों का जो दबदबा है वो कांग्रेस संगठन पर जारी रहा। यानी कि कौन जारी है, किसका कब्जा है, तो ये कब्जा है नरमपंथियों का, गर्मपंथियों का नहीं है। यहाँ से इनका अस्तित्व कांग्रेस में समाप्त हो गया। दूसरा कह रहा है ये क्यों गलत है, दूसरा वाला, क्योंकि कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास नहीं किया बल्कि गर्मपंथियों का दमन कर दिया, इनको समाप्त करने का प्रयास किया, जेल में डालने का प्रयास किया, इनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए, लेकिन नरमपंथियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। तो दोनों जगह नरमपंथी हैं, कांग्रेस संगठन में भी नरमपंथी हैं और अंग्रेजों के पक्ष में जो हैं वो भी नरमपंथी हैं और अंग्रेज भी इनके साथ अपना समर्थन रखते हैं। लेकिन पहला दूसरा जो है ये दोनों बातें बिल्कुल उल्टी लिखी हुई हैं, यानी कि इसको पलट देंगे तो सही हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। सूरत विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है। सूरत विभाजन के बारे में कौन सा कथन है जो सही है, आपको ये बताना है। पहला, गोखले की अध्यक्षता वाले INC अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच मतभेद प्रकट हुआ। क्या ये बात सत्य है कि गोखले की अध्यक्षता वाले INC अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच मतभेद प्रकट हुआ। दूसरा, नरमपंथी परिषदों के बहिष्कार के पूर्ण विरोध में थे। और तीसरा, वर्ष 1906 में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज को INC का लक्ष्य घोषित किया गया। और चौथा कह रहा कि उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। अब बताएंगे क्या है जो कि आपका सूरत विभाजन के संबंध में सही है, फटाफट उत्तर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जो है सब अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन हैं। अगर एक बार पढ़ा है तो ये सब याद हो जाना चाहिए। याद रखिएगा बच्चा लोग क्या है जो सही है, तो आपकी सभी बातें सही हैं। गोखले की अध्यक्षता वाले INC अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच मतभेद प्रकट हुआ था, बिल्कुल सही है। 1905 का जो अधिवेशन है इसको गोखले ने ही देखा था और 1905 में मतभेद शुरू हो चुका था नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच में, और वो भी कई मुद्दों को लेके। दूसरा, नरमपंथी परिषदों के बहिष्कार के पूर्ण विरोध में थे। नरमपंथी नहीं चाहते थे कि परिषदों का पूर्ण बहिष्कार किया जाए जबकि गर्मपंथी चाहते थे कि परिषदों का पूर्ण बहिष्कार हो, तो इसलिए आपका ये भी जो है सत्य है। और 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज को INC का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये तो बिल्कुल सही है। आपने अभी भी सॉल्व किया कि दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज और स्वशासन का लक्ष्य कांग्रेस ने घोषित किया था और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं बच्चा लोग, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
अगला प्रश्न भी देखिए, बहुत ही बढ़िया है और आप सभी को इसका उत्तर जो है वो पता होगा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के चरमपंथी वर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है चरमपंथी वर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। पहला, यह मुख्य रूप से सांस्कृतिक विरासत और परंपरागत हिंदू प्रतीकों से प्रभावित था। क्या ये बात सही है कि यह मुख्य रूप से सांस्कृतिक विरासत तथा पारंपरिक हिंदू प्रतीकों से प्रभावित था? दूसरा, जनता की क्षमता पर इसका अटूट विश्वास था। तीसरा, दोनों बातें सही हैं और चौथा, कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के चरमपंथी वर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है, फटाफट उत्तर देंगे कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आपका सत्य पूछ रहा है, तो आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के चरमपंथी वर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है? तो यह मुख्य रूप से सांस्कृतिक विरासत तथा पारंपरिक हिंदू प्रतीकों से प्रभावित था, ये तो बिल्कुल सत्य है। जनता की क्षमता पर इसका अटूट विश्वास था, ये बात भी सत्य है। दोनों बातें आपकी सही हैं चरमपंथी या उग्रवादियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, 1950 में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन। अच्छा, यहाँ पे 1950 नहीं होगा बल्कि 1905 होगा, क्योंकि आपका जो स्वदेशी आंदोलन हुआ है ये कब हुआ है? 1905 में हुआ है, 1950 यहाँ पे नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 1905, याद रखिएगा 1905। कह रहा 1905 में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है, आपको ये बताना है। पहला है, समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। क्या समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी? दूसरा, श्रमिक हड़तालों के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। तीसरा, यह स्वयं सेवा और आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्यक्रम का पक्ष समर्थक था। चौथा, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। और चौथा, उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग 1905 में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में कौन सी बात है जो सत्य है, आपको ये बताना है। तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और ये सारे स्टेटमेंट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर जो 5 है ये बिल्कुल करेक्ट है। समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। समितियों के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। श्रमिक हड़तालों के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी, ये भी सही है। श्रमिकों के हड़ताल के माध्यम से भी जन को इकट्ठा किया गया। स्वयं सेवा अथवा आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्यक्रम का पक्षधर था या पक्ष में समर्थक था। और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना उस समय किया गया था और बहुत सारे लोगों ने जो है जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने खुद शिक्षक बन के लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया और मैक्सिमम बच्चों से अपील की गई कि वो अपने राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ाई शुरू कर दें। तो सारी बातें सही थी। नेक्स्ट देखें, स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई? स्वदेशी आंदोलन जो चलाया जा रहा है 1905-6 में, कह रहा है किन जगहों पे प्रतिक्रिया हुई, यानी कि इसको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिला, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार के विरुद्ध आए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने जो है सपोर्ट किया राष्ट्रवादियों को, यानी कि विभाजन का विरोध किया, तो ऐसा कहाँ हुआ होगा? पहला कह रहा है मद्रास और हैदराबाद में, दूसरा कह रहा है बंगाल और महाराष्ट्र में, तीसरा कह रहा है बिहार और उड़ीसा में, और चौथा कह रहा है भारतीय रियासत। बिल्कुल कॉमन सेंस का है बच्चा लोग, फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या है जो आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो नरमपंथी हैं वो चाहते थे कि बंगाल में ही जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए, लेकिन गर्मपंथी या जो उग्रवादी थे वो चाहते थे बंगाल के बाहर यानी कि संपूर्ण देश में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे आपको पता ही है बंगाल में तो चल ही रहा है और आप देख रहे हैं बंगाल कहीं नहीं है, और आपका महाराष्ट्र में तो तिलक ने पूरा सपोर्ट किया ही था और यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके खिलाफ काफ़ी जो है लोगों में रोष भी दिखा। तो तिलक महाराष्ट्र से इसका जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बंगाल में तो हैं ही, पंजाब में लाला लाजपत राय को नियुक्त किया गया था। इस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने का काम उग्रवादियों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चा लोग,
1996 बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी शासक ने निम्नलिखित घोषणा की। यहाँ पे कह रहा है कि जब 1906 बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेश प्रशासक ने, कोई एक प्रशासक है जो अंग्रेज है और 1906 के बंगाल विभाजन के बारे में वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतया सत्य है। यानी कह रहे हैं कि जो बंगाल संयुक्त है, एक साथ है, ये एक संयुक्त शक्ति है, लेकिन जिस दिन इसको जो है विभाजित कर दिया जाएगा उस दिन ये अलग अलग रास्तों पे चल पड़ेंगे और इस तरह से जो है बंगाल काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। ये बात कौन कर रहे हैं आपको ये बताना है, फटाफट कमेंट करेंगे कौन है जो ये बात कर रहे हैं। तो आपका पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड रिजले, तीसरा है लॉर्ड मिंटो और चौथा है लॉर्ड लेंस इलाटियर। बताएंगे कौन से हैं जो कि आपका सही हो जाएगा। कौन कह रहे हैं कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल जो होगा वो अलग अलग रास्तों पे चल देगा, आपको बताना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कौन है जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, एच एच रिजले ने ये बात कही है कि बंगाल संयुक्त है तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जिस दिन बट जाएगा वो अलग अलग रास्ते पे चलने लगेगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न हिस्सों में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सुविख्यात है। आपको ये बताना है कि जो बंगाल के विभाजन का परिणाम स्वरूप भारत में विभिन्न हिस्सों में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आयोजित किए गए, नो डाउट पता ही है। तो आपको बताना है कि उस समय तमिलनाडु में इस आंदोलन का समर्थन या जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे। पहला है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है चिदंबरम पिल्लई, तीसरा है ई बी रामास्वामी नायकर, चौथा है सरोजनी नायडू। बताएंगे बच्चा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। तमिलनाडु में स्वदेशी और आपके बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, चिदंबरम पिल्लई आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है, आपको ये बताना है। सत्य कथन को बताएंगे क्या है जो सही है। पहला, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है। दूसरा कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तीसरा कह रहा है दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। अब आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन के बारे में कौन सी बातें हैं जो कि आपकी सही हो जाएंगी, फटाफट उत्तर दीजिए बच्चा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का भी है। निश्चित ही स्वदेशी की बात करेंगे तो अपने देश के शिल्पकार, अपने देश के उद्योगों को पुनर्जीवित करेंगे, उनके कौशल का विकास होगा। और स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो ये अपने देश के अवयवों के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी हुई कि जो राष्ट्रीय शिक्षा है यानी कि अपने देश की शिक्षा है इसकी स्थापना हो, बड़े पैमाने पर स्वदेशी चीज़ों का उपयोग, बड़े पैमाने पर स्वदेशी शिक्षा, बड़े पैमाने पर स्वदेशी न्यायालय, इन सभी का जो है समर्थन किया गया और इन सब का विकास हुआ था। तो ऊपर की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाया गया, यानी कि कौन सी घटना के रूप में हमने स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया है, आपको ये बताना है। पहला है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, दूसरा है होम रूल आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन और चौथा है साइमन कमीशन की भारत यात्रा। अब फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था, और ये आप सभी को पता है, वेरी वेरी इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निश्चित तौर पे आपको सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध ही हम लोगों ने पहली बार आंदोलन में जो है बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाया, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1900 आपको बताना है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा।
1905 में कर्जन ने जो बंगाल विभाजन किया था, ये विभाजन कब तक बना रहा आपको ये बताना है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। दूसरा, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त या निराकृत किए जाने तक। तीसरा, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। और चौथा, भारत के वर्ष 1947 में हुए विभाजन विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। अब आप बताएंगे 1905 में कर्जन ने जो विभाजन किया था बंगाल का, ये कब तक जो है लागू रहा, यानी कि कब ये समाप्त किया गया, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप सभी को पता होगा कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे और दिल्ली में जो शाही दरबार का आयोजन किया गया था, उसी समय कर्जन के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, यानी कि बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था। आज का सबसे आसान प्रश्न है, सभी को पता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, और अपनी इसी जो है कदम की वजह से वो इतिहास में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और सबसे ज़्यादा क्रूर और जो है सबसे ख़राब गवर्नर जनरलों में उनका नाम गिना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कर्जन। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में निम्नलिखित में से किन समूहों की भागीदारी रही, यानी कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो उसका विरोध जो हुआ, उस विरोध में कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से लोग थे जो बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे। पहला है जमींदार, दूसरा है छात्र, तीसरा है महिला, चौथा है वकील और पांचवा है कि सभी। अब बताएंगे, फटाफट उत्तर देंगे कि कौन से लोग हैं जो बंगाल विभाजन के विरोध में हैं। और आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये घटना काफ़ी जो है उस समय का लोगों को डिस्टर्ब करने वाली थी, या इसमें मैक्सिमम सभी वर्गों ने लगभग लगभग जो है योगदान दिया है। तो इसमें जमींदार भी हैं, छात्र भी हैं, महिला भी हैं और वकील भी हैं। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ी थी, छात्रों ने स्कूल छोड़े थे, जमींदारों ने भी लगान देने से मना किया, और महिलाएं भी जो है इसका विरोध कर रही थीं। यहाँ पे आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, उपरोक्त सभी जो हैं इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था, तो निश्चित ही सभी बात बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 5 आपका सत्य है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आई होगी और बहुत सारे क्वेश्चन का रिविज़न हुआ होगा और आपको नई चीज़ें भी सीखने के लिए मिली होंगी। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और शानदार प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, पुराना रिविज़न करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।